नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के सेट के बारे में, कंप्लीट इसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे कि आपको IRCTC में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर जाइए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं उसे देखिए और स्टॉक मार्केट सीखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को जानेंगे कि आपको IRCTC का जो टेक्निकल एनालिसिस है, किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको किस लेवल पे आपको एंटर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको इससे लेवल पता चल जाएगा किस लेवल पर आपको एंटर करना है और फिर किस लेवल पर आपको एग्जिट करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें, आज IRCTC का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1241, मतलब 1241 रुपीज़ अभी करंट मार्केट प्राइस है IRCTC का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है IRCTC का 100 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। 100 डे मूविंग एवरेज है हमारा 1145 रुपीज़ और जो 50 डे मूविंग एवरेज है 1251 रुपीज़। तो इससे हमारा 50 डे मूविंग एवरेज से IRCTC का प्राइस कम है, 11 रुपीज़ कम है, क्योंकि हमारा 10 रुपीज़ कम है, क्योंकि 41 है हमारा अभी करेंट मार्केट प्राइस 1241 और 1251 50 डे मूविंग एवरेज, और 20 डे मूविंग एवरेज है 1264 रुपीज़। तो ये हमारा जो करेंट मार्केट प्राइस है उसका सिनेरियो हो गया 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज से। तो अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ चार्ट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा IRCTC है 8900 के आसपास बहुत दिन तक मूव करता रहा, इसी के आसपास। उसके बाद यहाँ पर जो है, जब ये पिकअप पकड़ा 8 जनवरी को, तो फिर ये एक नया हाई बनाया अप्रोक्स, देख सकते हैं यहाँ पर 2000 के करीब ये गया। वहाँ से फिर जो हमारा पैंडमिक सिचुएशन है उसके कारण इसमें लगातार फॉल देखने मिला और फॉल जो है वो 800 तक आया। 800 के प्राइस पर फिर ये जंप करता है और फिर ये 1400 के ऊपर 1500 के आसपास जाता है, वहाँ से फिर ये नीचे आता है और अभी ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कुछ इस तरह का टेक्निकल चार्ट रहा है इसका। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कहां पर कौन सा सपोर्ट बन रहा है और किस प्राइस पे हमें इसे कंसीडर करना चाहिए, तो सारे प्राइस को जानेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो हम देख रहे हैं, देखिए मेजर सपोर्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि 1200 देख सकते हैं, 1200 पर यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत कीजिए आप, यहाँ से देखिए 1200 वन टाइम्स, टू टाइम्स, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, लगभग 1200 के ऊपर इसका पहला सपोर्ट बन रहा है। अगर 1200 के सपोर्ट को तोड़ता है तब इसका नीचे किस प्राइस पर सपोर्ट बनता है उसको जानते हैं। तो देखिए, जब 1200 के सपोर्ट को ये तोड़ेगा तब इसका सपोर्ट जो है लगभग 800-900 के अप्रोक्स बनता है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 800, उसके बाद ये जो सपोर्ट बनता है इसका 900 और 800 के आसपास, मतलब 900 पर थोड़ा सा सपोर्ट बनता है और 800 पर मेजर सपोर्ट बनता है। तो सबसे पहला सपोर्ट हो गया 1200 का सपोर्ट तोड़ता है तो 900 के सपोर्ट को तोड़ता है तो सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 800। तो कुछ इस तरह का टेक्निकल चार्ट है हमारा IRCTC का। तो टेक्निकली हमने देख लिया कि किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए, किस प्राइस पर आपको एग्जिट करना चाहिए। तो मतलब अभी जो हमारा मार्केट है उसमें मेजर फॉल नहीं आता है तो आपको 1200 पर बाइंग कर सकते हैं, पहला इंस्टॉल आप लगा सकते हैं। और जो भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने अमाउंट को 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, और अगर मार्केट में करेक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो 1200 के नीचे जैसे आपको मिलता है तो पहला इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन अब वहां से अगर इसमें मेजर फॉल आता है तो आप इसका 900 और 800 मेजर सपोर्ट देख सकते हैं, तो 900 पे आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाना है और 800 जैसे आता है तो आपको इसमें जितनी भी बाइंग वो कर सकते हैं। तो ये सारा था, साथ ही साथ मार्केट का जो सिनेरियो है उसको ध्यान रखना है कि आगे आने वाला जो सिचुएशन है वो कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं IRCTC के बिजनेस मॉडल के बारे में। IRCTC जो है हमारा एक सब्सिडियरी है इंडियन रेलवेज का,
दैट हैंडल्स कैटरिंग, टूरिज्म, ऑनलाइन टिकट बुकिंग। तो ये सारे जो मेजर इसके बिजनेस हैं, मतलब हमारा जो पहला कैटरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रेवल हो गया और जो हमारा ई टिकटिंग हो गया। तो ये चार बिजनेस है IRCTC का, जिसके तहत ये रेवेन्यू अर्न करती है। तो किस प्रकार ये रेवेन्यू अर्न करती है उसके बारे में हम जानेंगे। IRCTC को हम मिनी रत्न कंपनीज भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके रेवेन्यू के बारे में हम जानते हैं और रेवेन्यू के किस प्रकार ये अर्न करती है अपने चारों सेगमेंट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटरिंग का। तो कैटरिंग जो है 55% जो रेवेन्यू आता है IRCTC का वो कैटरिंग से आता है, जिसमें ये फूड सेल करता है। कैटरिंग में ये मुख्य रूप से जो फूड सेल करता है ऑन रेल जर्नी पे, जो रेलवे का जर्नी होता है उसमें ये मुख्य रूप से फूड क्या करता है, सेल करता है। साथ साथ आपको स्टेशन पे भी IRCTC के तहत तो फूड आपको मिल जाएंगे। कई सारे काउंटर्स बने होते हैं रेलवे स्टेशन में जहाँ पर आपको रेल नीर बोतल भी मिलता है। तो मुख्य रूप से इसका 55% जो रेवेन्यू आता है वो आपको किससे आता है, फूड से। दूसरा है आपको ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल एंड टूरिज्म में बहुत सारे तरह के स्पेशल ट्रेन चलाती है जो इंडियन रेलवे है उसके तहत, जिससे मैनेज करती है IRCTC। और इसके तहत जो रेवेन्यू आता है IRCTC को लगभग 23.3% ट्रेवल और टूरिज्म से आता है। इसमें अब मुख्य रूप से है जैसे भारत दर्शन नामक ट्रेन चलती है, मुख्य रूप से आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया का आपको ट्रेवल कराता है, जिसमें से हो गया आपको राजस्थान मुख्य रूप से। इसमें कुल 15 डिस्टिनेशन कवर करती है जो भारत दर्शन ट्रेन है। तो इसका जो सिंपल बजट टूर पैकेज होता है, जो कि नॉर्मल कोई भी आदमी ये पैकेज ले सकता है। उसके बाद आता है महाराजस एक्सप्रेस। ये जो है बुद्धिस्ट सर्किट, मतलब बुद्धिस्ट लोग का जो पिलग्रिम होता है, जो तीर्थ स्थान होते हैं उसका दर्शन कराया जाता है। और ये लग्जरी टूर पैकेज होता है और बहुत ही इसमें स्पेशल लग्जरी ट्रेन जाती है। तो इन सब इन दोनों ट्रेन से, मतलब इस तरह के ट्रेन से जो ट्रेवल और टूरिज्म है उसमें से ये 23.3% का रेवेन्यू अर्न करती है IRCTC। उसके बाद तीसरा आता है ई टिकटिंग। ई टिकटिंग से IRCTC अप्रॉक्स 12.3% अपना रेवेन्यू अर्न करती है। और इससे जो टिकट बुक किया जाता है उसमें 15 रुपया स्लीपर क्लास के लिए लेता है पर बुकिंग, और 30 रुपया AC क्लास के लिए। तो स्लीपर क्लास के लिए 15 रुपया चार्ज करती है, AC क्लास के लिए 30 रुपया चार्ज करती है। तो इस तरह से जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, जो कि डेली 8 लाख से 9 लाख जो नॉर्मल डे होता है उसमें 8 लाख से 9 लाख टिकट डेली बुक होता है, और उसमें से स्लीपर क्लास के लिए 15 रुपया चार्ज करती है और 30 रुपया AC क्लास के लिए। तो इस तरह से ई टिकटिंग से भी रेवेन्यू अर्न करती है IRCTC। तो ये सारा जो बिजनेस है इसमें IRCTC अकेला कंपनी है, इसलिए इसे मोनोपोली बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीटर नहीं है IRCTC का। उसके बाद जो चौथा है हमारा वो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। आप जान रहे हैं कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो रेल नीर है फेमस ब्रांड है, जो कि आपको स्टेशन पर और ट्रेन में जो है आपको मिल जाती है ये सारी बोतलें। तो ये इससे भी रेवेन्यू अर्न करती है, और इससे जो रेवेन्यू आती है IRCTC को 9.2%। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो कि कंट्रीब्यूट करता है 9.2%। तो समझ सकते हैं ये चार मेजर रेवेन्यू सोर्स है IRCTC के। साथ ही साथ अब एक तेजस एक्सप्रेस भी IRCTC चलाती है, तो जो प्राइवेट ट्रेन है तो इसे भी IRCTC ही हैंडल करती है। तो ये सारा का सारा रेवेन्यू सोर्स है IRCTC का, जिसमें कोई भी अभी दूसरी कंपनी नहीं है, इसलिए इसे इसका मोनोपोली बिजनेस कहा जाता है। इसलिए ये शेयर आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो ग्रोथ है वो फिक्स है कि IRCTC लगातार ग्रोथ करेगी, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अब हम इसके थोड़ा सा जो फाइनेंशियल है चार्ट है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो IRCTC है उसका करेंट प्राइस है 1241.50 रुपीज़। और ये जो लास्ट ट्रेडिंग डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे 26 रुपीज़ का इसमें मूव देखा गया है, मतलब 2.21% का। और जो 52 वीक लो है, 52 वीक लो देखेंगे, मतलब IRCTC 2019 सितंबर में ही लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में। 2019 सितंबर में लिस्ट हुआ था इसका जो IPO, तो वो था 625 रुपीज़, इसके आसपास ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ था, 100% से ज़्यादा प्रीमियम पर। और ये देख सकते हैं 52 वीक हाई 1994 रुपीज़, अप्रॉक्स 2000 तक गया। और वन ईयर में अभी जो आप देख सकते हैं वन ईयर में जो रिटर्न है इसका 70%, मतलब 70.59% है।
उसके बाद आप हम आपको दिखाते हैं इसका जो पी रेशियो है। और तो इसका तो मोनोपोली बिजनेस है, तो पी रेशियो जो भी हो इंडस्ट्री का, यहाँ सेक्टर का पी रेशियो, सेक्टर से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है, इस सेक्टर में कोई दूसरी कंपनियाँ नहीं है। लेकिन यहाँ आपको सेक्टर में कई कंपनियाँ आपको दिखाया गया है, लेकिन ये इस कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ से एनालिस्टिक्स में देख सकते हैं 100% बाइंग रेटिंग दिया हुआ है। तो अभी पी रेशियो देखते हैं 64.93 रुपीज़, तो 64 एक तरह से कहिए 65 रुपीज़ आपको 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए लगाना पड़ेगा IRCTC में। तो ये है पी रेशियो। और पीवी रेशियो देख लीजिए, बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए जो इन्वेस्टर है वो 18 रुपीज़ 61 पैसा देने के लिए तैयार है IRCTC के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही हाई पी रेशियो है, बुक वैल्यू भी बहुत ही हाई है, क्योंकि ये बिजनेस जो है बहुत ही मोनोपोली बिजनेस है IRCTC का, इसलिए इन्वेस्टर्स इतने रुपया पे करने के लिए तैयार है। उसके बाद दिखाते हैं इसके जो रेवेन्यू है और जो इनकम है। तो रेवेन्यू आप यहां पर देख सकते हैं कि 1535 था 2017 में, 2018 में ये थोड़ा सा यहां डिक्रीज हुआ था 1470 करोड़, और वहीं 19 में बढ़कर के देखिए कितना ज़्यादा हो गया 1868 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा यहां रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। और फिर यहां पर इनकम देख लीजिए 220 करोड़, थोड़ा सा यहां पर 18 में डिक्रीज हुआ था क्योंकि ई टिकटिंग पे जो चार्ज है IRCTC वो हटा दिया था, इसलिए इसके जो इनकम है उसमें डिक्रीज हुआ था। फिर यहां पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ इनके इनकम में 305 करोड़, बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 2019 में। फिर जैसे 2020 का रेवेन्यू आता है तो हम किसी वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा IRCTC का शेयर है, और इसका जो कंप्लीट एनालिसिस था, इसका जो टेक्निकल एनालिसिस था और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।